बिहार में आरजेडी की कमान राबड़ी ने संभाल रखी है, तो क्या युवा राजनीति का टेस्ट फेल हो चुका है? युवा नेतृत्व का जनता में टेस्ट हुआ फेल। युवा फेल हुए तो पुराने नेतृत्व पर भार। सोनिया गांधी के सहारे कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को राबड़ी की वैशाखी का सहारा। युवा जोश, नई सोच का नारा बुलंद करने वाली कांग्रेस और उसकी सहयोगी आरजेडी का 2019 के चुनाव में सपना क्या टूटा? युवा नेतृत्व भी धराशायी हो गया। राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई में फेल होने के बाद दोनों दलों के युवा नेतृत्व ने राजनीति से ही दूरी बना ली। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो तेजस्वी यादव बिना पद छोड़े ही गायब है। सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी दोनों की राजनीति के दंड की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जनता ने इन लोगों को अपने आंखों से हटा दिया, उतार दिया है, और ऐसे लोगों को दिलों से हटा दिया है। अब ये लोग सिर्फ किंवदंतियां और कहानियां ही बन करके रह गई हैं। एक राजा था, ये काम करता था। अब जनता ने इनको कभी माफ करने वाली नहीं है, दोनों परिवारों को। जब बेटा फेल करेगा तो माँ उठाएगी, माँ फेल करेगी तो बेटी उठाएगी, बेटी फेल कर माने परिवार का ही कोई सदस्य होना चाहिए। जैसे राजतंत्र में हो कि जैसे एक राजा फेल कर गया तो उसका बेटा किया, अगर कहीं वो भी गड़बड़ हो गया तो यह सुल्ताना आ गई, तो उसी में से चयन होगा। एनडीए भले ही आरजेडी और कांग्रेस की राजनीति को खत्म मान रही हो, लेकिन दोनों दलों के नेता ऐसा नहीं मानते। आरजेडी और कांग्रेस दोनों का आरोप है कि 2019 का चुनाव विचारधारा और मुद्दों के आधार पर नहीं हुआ, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। कि युवा नेतृत्व फेल हो गया ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि ये जो चुनाव लोकसभा का हुआ है वो जो असली एजेंडा था, देश की जो मूलभूत समस्याएं थे, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ। ये चुनाव हारे हैं, ये सत्य है, और इसकी समीक्षा में हम लोग लगे हुए हैं, लगातार मंथन किया जा रहा है। मेरा विचारधारा है जो सुस्त हुआ है, मेरे विचारधारा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन हम समझते हैं मेरा विचारधारा मारा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मैं चुनाव हार गया? मैं बापू के विचारधारा को, कांग्रेस के विचारधारा को, समाज के विचारधारा को आगे के लिए ले जाएंगे। जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस गांधी परिवार और आरजेडी से लालू परिवार अलग हो जाए तो दोनों पार्टियां बिखर जाएंगी। ऐसी पार्टियां जो बहुत प्रबल अस्तित्व तो नहीं बना पाती हैं, तो कोई ना कोई एक फैक्टर अवश्य होता है उसके जिसकी वजह से वो पार्टी फिर भी जिंदा रहती है। अगर वो आज उसमें भागीदारी नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये पार्टी बिखरने के कगार पर दिखने लगी है। लोकसभा चुनाव में राहुल और तेजस्वी के नेतृत्व के फेल होने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से दोनों दलों को नेतृत्व फिर पुराने हाथों में देना पड़ा है, उससे इनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।